आज का हमारा सफर है बैगोर की हवेली उदयपुर में। जैसा आप समझ सकते हैं कि हवेली है एक पुराने टाइप का म्यूजियम, इसको बना दिया गया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें उस जमाने की रखी गई हैं, राजा और रानी की। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा काम चल रहा है। और यहाँ पे पुराने राजाओं की आपको थोड़ी सी प्रतिमा देखने को मिल सकती है, तो जो कि मैंने अंदर जाकर तो नहीं देखी क्योंकि प्रतिमा थी सिटी पैलेस में भी देख चुके थे, तो मैंने बाहर बाहर से ही यहाँ पे देखी। आगे चल के आपको ऊपर जाने का सामने से एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते पे आपको जाके जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको सिर्फ वहाँ पे पेंटिंग्स नजर आएंगी। हाँ, बहुत सारी पेंटिंग्स काफी लाजवाब थी, जगह जगह की थी। रेड फोर्ट की भी आपको देखने को मिल सकती है, लोटस टेम्पल की भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो काफी थी, और काफी भीड़ भाड़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, खाली था एकदम से। और अगर आप और ऊपर जाएंगे यहाँ पे बैगों की हवेली में सेकंड फ्लोर के आसपास, तो बैगों की हवेली से आप सारा कुछ व्यू देख सकते हैं। आपको लेक पिचोला का व्यू, ताज, पहाड़, सब कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। और अब जब आप हवेली के अंदर और जाएंगे तो वहां पे आप क्वींस अपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि कैसे उनकी जो पुरानी चीजें, पंखे, हुक्का और काफी सारी चीजें वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको उनके श्रृंगार की, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा मेकअप वगैरह करते थे, सब कुछ यहाँ आपको चीज़ें यहाँ रखी हुई देखने को मिल सकती है। तो वो शीशे के ग्लास के अंदर रखी गई है, और ये उनका स्नान घर हुआ करता था, बाथरूम जैसा आप देख सकते हैं, पुराने उस टाइप के बर्तन रखे हुए हैं जहाँ पे वो पानी अपना गर्म गर्म करके नहाते थे। अब यहाँ पे कुछ पुराने दरवाजे भी हैं जो जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप ही को खोलने पड़े क्योंकि यहाँ पब्लिक इतनी कम आती है, तो काफी सारे दरवाजे आपको खुद ही खोल के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाना होगा। और ये यहाँ पे उनका खेलने कूदने का सामान इस वाले कमरे में रखा हुआ है, तो डिफरेंट कमरे में जाके आप डिफरेंट चीजें देख सकते हैं जो उस टाइम पे करते थे, और यहाँ पे काफी पुरानी चीजें उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। ये म्यूजिक बॉक्स है जो डिफरेंट टाइप्स के आपका। ये बेंच स्टैंड है, ये जो बाहर पुराने जमाने का लूडो, चेस, ये तबला गेम एक। और यहाँ पे उन्होंने और आगे आप जब जाएंगे तो कुछ पुरानी चीज़ें और देखने को आपको यहाँ मिल सकती हैं। एक टेम्पल भी अंदर है जो कि मैं भी आपको दूसरी साइड से जाके दिखाता हूँ। और जब आप जाएंगे तो आपको एक पुराना सा बेड भी दिखेगा जो कि सिल्वर का है, पूरा ही सिल्वर का बेड जहाँ पे वो सोते थे वो भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, पास जाकर आप उसको छू कर नहीं देख सकते, दूर से ही यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। कुछ पुरानी संदूकें भी रखी हुई हैं यहाँ पे, तो संदूक का कल्चर उसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो कुछ पुरानी संदूकें, अलमीरा वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर जैसे कि आपने पिछले पैलेस में भी देखा होगा शीश महल था, वैसे इन्होंने एक हवेली में भी एक शीश महल बनाया हुआ था, जो कि इतना ज़्यादा तो मैं कहूँगा पैलेस के मुकाबले अच्छा नहीं था, पर अगेन जब लाइट्स वहाँ पे आती हैं अंदर से, सूर्य की किरणें आती हैं, तो अगेन शीशों के कारण वो बिल्कुल ही रेड, और कुछ शीशे तो बहुत ही अच्छे लगाए हुए थे वहाँ पे, जिससे कि एक अलग टाइप की ही फीलिंग आती है वहाँ पर।
आगे चल के आपको दूसरे वाले कक्ष में बहुत सारी पगड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी पगड़ी जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि आप फेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पगड़ी रखी हुई है, कैसे लोग उस टाइम के ज़माने के पहनते थे, तो सारा कुछ उन्होंने रीजन वाइज यहाँ पर पगड़ियों का दर्शाया हुआ है। तो अगर आपको पगड़ियों का शौक है और आप देखना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग पहनते थे, वो सब कुछ आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप व्यू देख लो कितना अच्छा है और ऑलमोस्ट अगर मैं कहता हूँ खाली है, तो बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उधर ही एक तरह से वेपन म्यूजियम भी था जहाँ पे उन्होंने 2-3 राजा के वेपन्स रखे हुए थे और उन्हें दर्शाया हुआ था कि वो कैसे कैसे यूज़ करते थे, कौन कौन से वेपन्स थे। तो आप जैसे ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उस ज़माने के राजा के वेपन्स को उन्होंने यहाँ रखा हुआ है, महाराणा सरदार सिंह के वेपन्स को और कैसे यूज़ होते थे। और ये देखिए महाराणा स्वरूप सिंह के भी वेपन्स को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स देख सकते हैं। और गन्स जब यूज़ होने लगी थी तो यहाँ पे उन्होंने गन्स भी दिखाई हुई है और गन्स के बारे में लिखा भी हुआ है, और जो नॉर्मल होते थे उनके तलवार वगैरह सब कुछ थे। और पास में एक घाट भी है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लगी थी और इतना कुछ खाने का मन नहीं था, ट्रेडिशन खा खा अगर हम बोल चुके थे, तो हम गए थोड़ा फास्ट फूड के लिए पास ही एक फॉरम मॉल में। फॉरम मॉल में जाके हमने मैकडी में जाकर बर्गर वगैरह खाया और यहाँ पे आके लगा कि जो हम ट्रेडिशन देख रहे थे वापस यहाँ से मॉडरेशन आ गई। यहाँ पे आपको हर टाइप का एक ब्रांड देखने को मिल जाएगा, खाने पीने के जॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, और जो यूथ होती है वो नॉर्मली यहाँ पर आती है, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गेमिंग था जिसमें वो अपने टॉय कार्स में और रोबोट्स वगैरह में यहाँ पर घूम सकते हैं। ओवरऑल उदयपुर सिटी में आप ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न दोनों चीज़ों का यहाँ पे आप लुत्फ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल के सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।